नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे भूतकाल और भूतकाल के भेद। मुख्य रूप से क्रिया के तीन काल होते हैं, उसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल से हमें चल रहे समय का बोध होता है, भूतकाल से हमें बीते हुए समय का बोध होता है और भविष्यकाल से आने वाले समय का बोध होता है। भूतकाल के सात भेद हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल और समयकालीन भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे दीपक ने पत्र लिखा, आकांक्षा खेल रही थी, हर्षदा ने गीत गाया था, छात्र फुटबॉल खेले होंगे, रामा ने अनार खाया है, शीतल मेहनत करती तो सफल हो जाती, अजय पिछले 2 घंटों से नहा रहा था। इन वाक्यों में क्रिया के रूप से हमें कार्य समाप्त होने का बोध होता है, इसीलिए यह वाक्य भूतकाल के है। इन वाक्यों में पहला वाक्य देखो, दीपक ने पत्र लिखा। लिखा मतलब यह वाक्य सामान्य भूतकाल का है। आकांक्षा खेल रही थी, यहाँ पर रही थी आया है, इसका अर्थ यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। हर्षदा ने गीत गाया था, था इसका अर्थ यह वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। छात्र फुटबॉल खेले होंगे, यहाँ पर होंगे यह शब्द आया है, इसका अर्थ यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल का है। रामा ने अनार खाया है इसका अर्थ यह वाक्य आसन्न भूतकाल का है। शीतल मेहनत करती तो सफल हो जाती इसका मतलब यह वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल का है। अजय पिछले 2 घंटों से नहा रहा था इसका अर्थ यह वाक्य समयकालीन भूतकाल का है। अब हम भूतकाल के भेद देखेंगे। भूतकाल के 7 भेद हैं, उसमें से पहला भेद सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य का होना सूचित होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने या लिखने से पहले ही हुआ है। सामान्य भूतकाल में कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध नहीं होता। जैसे गौरव ने मेरा काम किया, मोहिनी स्कूल गई, नेहा ने पत्र लिखा, निखिल ने गाना गाया, छात्र खेलने गए। इन वाक्यों में क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हुई है, इसीलिए इन वाक्यों में सामान्य भूतकाल है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं। जैसे यहाँ पर पहले वाक्य में किया, या का मतलब आ, दूसरे वाक्य में गई, ई आया है, तीसरे वाक्य में लिखा, आ आया है, चौथे वाक्य में गाया, आ आया है, पांचवे वाक्य में गए, ए आया है।
भूतकाल का दूसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में या बीते हुए समय में जारी रहना सूचित हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के रूप से कार्य भूतकाल में शुरू होने का पता चलता है लेकिन खत्म होने का पता नहीं चलता तथा अपूर्णता का हमें बोध होता है। जैसे अजय पेड़ पर चढ़ रहा था, मोनिका पत्र लिख रही थी, तारे जगमगा रहे थे, चिट्ठी लिखी जाती थी, पेड़ पर लाल अमरूद उगते थे। इन वाक्यों में क्रियाओं से कार्य अतीत में आरंभ होकर अभी खत्म न होने का पता चलता है, इसीलिए यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल के है। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा ता था, ती थी, ते थे, ती थी शब्द समूह का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल का तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बोलने या लिखने से बहुत समय पहले ही पूर्ण हो जाना सूचित हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है इसका हमें बोध होता है या क्रिया के पूर्णता का बोध होता है। जैसे गंगा ने पत्र लिखा था, पायल मुंबई गई थी, बच्चे सोए थे, सूरज निकला था, अश्विनी ने पुस्तक पढ़ी थी। इन वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है इसीलिए यह वाक्य पूर्ण भूतकाल के है। पूर्ण भूतकाल की क्रिया का रूप बनाने के लिए क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप के साथ था, थी, थे शब्दों का प्रयोग होता है। भूतकाल का चौथा भेद है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाता हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल में यह अनिश्चितता या संदेश होता है कि भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई या नहीं। संदिग्ध भूतकाल के क्रिया रूप से हमें संदिग्धता का पता चलता है। जैसे अस्मिता ने गाना गाया होगा, दुकानें बंद हो चुकी होगी, बच्चे वॉलीबॉल खेले होंगे, संदेश ने पत्र लिखा होगा, बस छूट गई होंगी। इन वाक्यों में क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है इसीलिए यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल के है। संदिग्ध भूतकाल की क्रिया के अंत में होगा, होगी, होगे आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। भूतकाल का पांचवा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया अभी कुछ समय पहले या तत्काल पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल में कार्य व्यापार की निकट समय में समाप्ति का पता चलता है। जैसे शंकर ने पत्र लिखा है, मैं अकोला से आया हूँ, मैंने दवा खाई है, मैं अभी खाट से उठा हूँ, विनायक गया है। इन वाक्यों में क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है यह हमें
बोध होता है, इसीलिए यह वाक्य आसन्न भूतकाल के है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, आसन्न भूतकाल की क्रिया के अंत में है या हूँ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल का छठवां भेद है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी। जैसे मानसी मेहनत करती तो सफल हो जाती, मैं यदि मुंबई जाता तो गेटवे ऑफ इंडिया देखता, यदि पैसे मिलते तो नए कपड़े खरीदते, सुरेश आता तो दिनेश चला जाता, यदि फोन किया होता तो मैं अवश्य आता। इन वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, इसका हमें बोध यहाँ पर होता है। इसीलिए यह वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल के है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल में पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है और हेतु हेतु मद भूतकाल में पहले वाक्य के क्रिया के अंत में ता ती ते शब्द का प्रयोग होता है और दूसरे वाक्य के अंत में भी ता ती ते शब्द का प्रयोग होता है। भूतकाल का सातवां भेद है समयकालीन भूतकाल। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं और समय का निश्चित बोध होता है, उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। समयकालीन भूतकाल में हमें समय का निश्चित बोध होता है। जैसे दीपक 3 घंटों से गाड़ी की राह देख रहा था, सुरेखा 2 दिनों से खेल रही थी, बच्चे सुबह से शोर मचा रहे थे, इशाद पिछले 2 घंटों से नहा रहा था, रुतिका 3 घंटों से टीवी देख रही थी। इन वाक्यों से हमें समय का निश्चित बोध होता है, इसीलिए यह वाक्य समयकालीन भूतकाल के है। समयकालीन भूतकाल में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द समूह का प्रयोग होता है। अगले वीडियो में हम भविष्यकाल और भविष्यकाल के भेद देखेंगे। धन्यवाद।